great journey of PKLI started back in 2014. And it was just as a matter of chance that I happened to meet Professor Dr. Saeed Akhtar, who was wanting to have a piece of land in Islamabad to establish a state-of-the-art kidney center. I said to him that I'll be very happy to support him. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रख दिया। कहा कि यूनिवर्सिटी का क़याम एक बहुत बड़ा मनसूबा है। प्रोफेसर सईद अख्तर ने PKLI के लिए शबाना रोज मेहनत की। अस्पताल में गुर्दे और जिगर के 1000 से ज्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं। मोर देन 10 मिलियन पीपल अनफॉर्चुनेटली इन पंजाब आर इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस सी विद एन अलार्मिंग 8.9% prevalence rate as per Bureau of Statistics survey 2018, which means around 250,000 patients are likely to be increased every year. We have to go from macro treatment to micro treatment. This is just the beginning, and inshallah, with the determination and dedication of the government and the leadership and all the team, it will be done. PKLI के ज़ेर तमाम हेपेटाइटिस सी पर आगाही कॉन्फ्रेंस के वन पंजाब अली गुररहमान ने कहा कि पंजाब में 1 करोड़ अफराद हेपेटाइटिस से मुतासर हैं। स्कूलों से बाहर बच्चों की तादाद में इजाफा अफसोसनाक है। तकरीब में निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, IG पंजाब और डेप्यूटी कमिश्नर समेत अहम शख्सियात मौजूद थी। कमिश्नर लाहौर बेहतरीन काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मोहम्मद अली रंधावा की तारीफ। ट्वीट में कहा कि PKLI का दाखिली रास्ता दिलकश मंजर पेश कर रहा है। आवामी मुकामात खुसूसन हस्पतालों का ऐसा ही मंजर होना चाहिए। PIA का सालाना खसारा 110 अरब रुपए तक जाने का खदशा। वफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद एयरपोर्ट आउटसोर्स करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि अगले मरहले में लाहौर और कराची की बाजी आएगी। कोई भी पाकिस्तान को लीज पर जहाज लेने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई के सताए आवाम रिलीफ को तरसने लगे। एक हफ्ते में 23 अशिया मजीद महंगी हो गईं। LPG, चावल और मुख्तलिफ दालों की कीमतें बढ़ गई। महंगाई की शरह 1.3% बढ़ गई। मजमुई शरह 30% तक जा पहुंची। ईरानी तेल की स्मगलिंग से पेट्रोलियम मसनूआत की सेल्स में कमी। पेट्रोल पंप्स मालिकान को भारी नुकसान। हुकूमत को भी टैक्स वसूली में कमी का सामना है। 23 जुलाई तक पेट्रोल की सेल में 6% और हाई स्पीड डीजल की फरोख्त में 9% कमी रिकॉर्ड की गई। बजट में प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स में इजाफा। प्रॉपर्टी की फरोख्त 50% की हद तक रुक गई। प्रॉपर्टी खरीदने वाले को सेक्शन E7 का फॉर्म भी देना होगा। नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर और प्रॉपर्टी की तफसीलात देना लाजम करार। मुल्क महंगाई और बदअमनी की आग में जल रहा है। आवाम से खौफजदा हुक्मरान इलेक्शन में ताखीर चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि खसाना और तोशाखाना लूटने वालों का बिला इम्तियाज एहतसाब होना चाहिए। तहरीक इंसाफ को एक और झटका। तालिब नकई और सरदार अली जावेद डोगर का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। जहांगीर तरीन ने नकई बरादरान को खुशामदीद कहा। अब्दुल लीम खान बोले कि अभी चेयरमैन PTI की मजीद करप्शन सामने आएगी। करप्शन तो अभी सामने आई नहीं जी। ये तो वही खान साहब है जो दूसरों को उंगलियां उठा उठा के कहा करते थे कि ये चोर है, ये चोर है। हमने 25 साल ये सिर्फ एक ही नारा सुना है, ये चोर है, ये चोर है। और अपने पास ना कोई घड़ी छोड़ी, ना कोई हीरा छोड़ा, ना कोई हार छोड़ा। अपनी तिजोरियाँ जो हैं वो हार से भरी हुई थी। और ISI चीफ को बरतरफ कर दिया कि तूने ये क्यों कहा कि मेरी बेगम जो है वो इस काम में इन्वॉल्व है। तो इसलिए मेरे ख्याल में अभी ये आपको पहला जो है वो कतरा नज़र आया। आगे आपको इनके बहुत सारे कारनामे इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में नज़र आएंगे। चेयरमैन PTI का तोशाखाना की घड़ी बेचने से ज़्यादा बड़ा जुर्म कश्मीर बेचना था। रहनुमा पीपल्स पार्टी
सैयद हसन मुर्तजा काचे में पी जा के गिरफ्तारी पर रद्दमल, कहा कि 5 अगस्त की गिरफ्तारी मुकाफात अमल और कुदरत का इंतकाम था। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के मौके पर कारकुनान की मसाहमत, थाना रेस कोर्स में इंस्पेक्टर रेहान की बदायत में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अलीजिया अवैस खान समेत 13 अफराद FIR में नामजद, मुकदमे में कतल की धमकियों समेत संगीन दफात शामिल। घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना की सेहत में बतदरीज बेहतरी आने लगी। सरबराह मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जौदत सलीम का कहना था कि बच्ची को ऑक्सीजन फ्री कर दिया गया है, रिजवाना की ब्लड में इन्फेक्शन भी कम हो गई है। सिटी ट्रैफिक पुलिस कवानीन पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक, 4,75,000 मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन, 7 माह के दौरान 11,25,000 बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार के चालान किए गए। दरियाए रावी में जसर और बल्लौकी के मुकाम पर पानी में इजाफा, PGMA का मुतल्लिका महकमे को अलर्ट जारी, कहा कि शहरी सैलाब और मौसम बरसात के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, दरियाओं के एतराफ़ गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। इंतजामिया की नाअहली, हालिया बारिशों ने शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर गहरे शगाफ डाल दिए, शादमा नोट पर बड़ा शगाफ ताहालपुर ना किया जा सका, शहरियों का मुश्किलात का सामना, आला हुकाम से शगाफ पुर करने का मुतालबा कर दिया। CPAC के 10 साल तकरीबा पंजाब मीडिया वफ्द का 4 रोज़ा दौरा मुकम्मल, CPAC मनसूबों से गुरबत के खात्मे, रोजगार और तरक्की को उजागर करना था। चीनी माहरीन ने बताया आइंदा साल 2024 में सूबाई दारुल हुकूमत से लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा। नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट के ज़ेर इंतज़ाम तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद किया गया, मुकाबलों में स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा ने हिस्सा लिया। एजुकेशन एक्सपो में मुल्की और गैर मुल्की 40 यूनिवर्सिटीज ने स्टॉल्स लगाए। शहर में समाजी जिम्मेदारी के रजाकार प्रोग्राम जस्तजू की लॉन्चिंग तकरीब, प्रोग्राम का इनेकाद लम्स यूनिवर्सिटी, महकमा यूथ अफेयर्स और PFA के इश्तराक से किया गया। रजाकार स्कूलों में समाजी जिम्मेदारी और तलबा की किरदार साजी का काम करेंगे। महकमा सियाहत के ज़ेर तमाम मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, सेक्रेटरी टूरिज्म आसिफ बिलाल लोधी ने अफ्ताह किया। फेस्टिवल में 30 से ज़ायद इकसाम के आम रखे गए, लाइव पेंटिंग, मैंगो बेकरी आइटम समेत आम से बनी मतलब अशिया की नमाइश की गई। योम आज़ादी की आमद आमद, तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, हर तरफ सब्ज लाली परचमों की बहार, झंडे झंडियों बैचेस और सजावटी अशिया की भरमार है, बाजारों और मार्केट्स में भी स्टॉल्स सजाए गए। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत भेजने का फैसला, हुकूमत ने कौमी टीम को भारत में वर्ल्ड कप खेलने की इजाज़त दे दी, हुकूमत का कहना है कि खेलों को सियासत की नज़र नहीं किया जाना चाहिए।